सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। मेडिकल डिपार्टमेंट ने टोंक शहर में 236 टीमें नियुक्त किए और टोडा रायसेन में 80 टीमें नियुक्त किए। इस टीम में अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेवा के एएनएम और कंपाउंडर नियुक्त हैं। इनके ऊपर हमने लगभग प्रत्येक 10 टीम पर शिक्षा विभाग का एक अधिकारी और प्रत्येक 6 टीम पर हमारे चिकित्सा विभाग का एक चिकित्सक को नियुक्त किया जो सुपरविजन का काम करेंगे। ये अगले 12 दिन तक डोर टू डोर सर्वे करेंगे और डोर टू डोर सर्वे करके उन लोगों को चिन्हित करेंगे जिनमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हैं, जो इन लोगों के संपर्क में थे, जो पॉजिटिव केस आए हैं और जो भी ILI से संबंधित मरीज हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। फिर उनकी डेली मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ विभाग के नॉर्म्स के अनुसार तो उनके सैंपल लेके जयपुर भिजवाए जाएंगे। अब जबकि इसके अलावा जो लोग पॉजिटिव आए हैं इनके संपर्क में जो हैं इनके 85 लोगों के हमने सैंपल ले लिए थे। 85 लोगों के सैंपल में से 12 सैंपल लगभग पॉजिटिव आए हैं। इनके कॉन्टैक्ट की भी लिस्ट तैयार की जा रही है और जो जो विभाग के नॉर्म्स के अनुसार जिन लोगों को घर के अलावा हमारे सुपरविजन में आइसोलेट करने की जरूरत होगी ऐसी जगह हमने टोंक शहर में 850 लोगों को रखने की व्यवस्था कर रखी है और संपूर्ण जिले में लगभग 5000 लोगों को आइसोलेट करके रखने की व्यवस्था कर रखी है। डॉक्टर साहब, जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं आंकड़ा बढ़ गया है, अब ऐसे में टोंक की जनता के लिए खासतौर से क्या आपकी सलाह होगी, मेडिकली क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले मेडिकली तो यही सलाह देंगे कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके लिए प्रशासन ने भी कर्फ्यू लगा रखा है, तो जब तक बहुत जरूरी नहीं हो वो घर में ही रहें, आइसोलेट रहें ताकि एक दूसरे से स्प्रेड नहीं हो और प्रशासन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो निर्देश दे रहा है उसका पालन करें। उनके एरिया में यदि कोई बाहर से आदमी आता है तो उसके तुरंत विभाग को सूचना दें और उनके घर में भी यदि किसी के इन्फ्लुएंजा लाइक सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं तो उसके भी वो तुरंत विभाग को सूचना दें, बाकी काम विभाग कर लेगा। आम जनता की यही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम आता है तो वो टेलीफोन से विभाग को सूचना देते हैं, फिर विभाग उसकी स्क्रीनिंग कर लेगा। विभाग डोर टू डोर तो सर्वे कर ही रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज एक टीम ने एक घर का सर्वे किया और दूसरे घर में चले गई और दूसरे दिन एक घर का उस घर में फिर सर्दी जुकाम के लक्षण अगले दिन या हो सकता है टीम के जाने के बाद 3-4 घंटे बाद तो उसको तुरंत सूचना दे ताकि स्क्रीनिंग और उसका फॉलोअप तुरंत हो सके। टोंक जिले में अभी तक कुल कितने पॉजिटिव आ चुके हैं सामने? सर टोंक जिले में अभी तक कुल 16 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। थैंक यू सर। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।